सत श्री अकाल दोस्तों, की हाल चाल ने। होप सो कि तुसी सारे बहुत वधिया होवोगे। दोस्तों तुसी रंग दे बसंती फिल्म तो जरूर देखी होनी है। जी हाँ दोस्तों, अज असी थानू उत्थे लेके चलांगे जिथे इस फिल्म की शूटिंग हुई सी। जी हाँ, मैं गल कर रहा लुधियाणा तो करीबन 20-25 किलोमीटर दूर एक छोटा जिहा कस्बा दुराहा, जिहदे नेड़े ये लोकेशन मौजूद है। तो दोस्तों रस्ते विच होर भी सोहणे सोहणे नज़ारे वेखांगे, सो जुड़े रहो। इस टाइम असी तुहानू एक चीज़ दिखाने, बहुत ही सोहनी चीज़ सानू लगी गवर्नमेंट वालों, मतलब कि बहुत वधिया उपराला किया गया। आप जिस तरह सोलर पैनल, यानी अज्ज की टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल यूज़ करते हैं, तो सोलर पैनल आप छत्ता ते लाने, जमीन ते लाने। दोस्तों इत्थे लुधियाने शहर के बार बार नहर के उत्ते सोलर इस तरह यूटिलाइज किया गया वा कि जगह का भी बहुत सोहना यूटिलाइज होया, और मतलब कि बिजली भी बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा रही है। इत्थे काफ़ी वड्डा प्रोजेक्ट लग्या होया, तुसीं साडे पिछे देख सकते हो। एक घट्टो घट भी 500 to 600 मीटर की लेंथ के हज़ारा ही सोलर पैनल लगे हुए हैं, जिहदे नाल मेरे हिसाब नाल बहुत वड्डा मल्टी प्रोजेक्ट हैगा जी। ये सरकार नूं चाहिए, जिस तरह गिल नहर साडी बहुत वड्डी आ, लंबी बहुत आ, ते होर भी इत्थे इदां दे प्रोजेक्ट लाउणे चाहीदे ने ताकि सोलर पैनल दे नाल अपनी वध तों वध इत्थे ऊर्जा पैदा की जा सके, बिजली पैदा की जा सके। आ कंपनी है जी 2.5 मेगावाट ग्रिड कनैक्शन कनैक्टड सोलर PV प्रोजेक्ट्स। कंपनी हैगी जी सैम सोलर प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है जी, यदा सारा देख रेख यही कंपनी कर रही है। आ थले सारा लिखा है ना जी, कैनाल रोड 8500 feet to 12000 feet। वाओ, आ देखो जी किड्डे तगड़े पैनल प्रोजेक्ट लगे हुए ने, बहुत दूर तक प्रोजेक्ट्स लगे हुए ने, पैनल ही पैनल लगे। और दो राहा इधर आए वाला पुला जी, दिल्ली GT रोड, इधर नू दिल्ली है जी, इधर नू लुधियाना। तो आ फौजियां दी जेड़ी मतलब कि प्रैक्टिस करते ने किश्तियां दी, वो सारा इत्थे बहुत सोहना दृश्य। सो फाइनली असी अपनी मंजिल दे पहले पड़ा यानी गुरुद्वारा मंजी साहब विखे पहुँच ही गए। गुरुद्वारा साहब की आलीशान इमारत का क्लॉक टावर, जिस तरह दूरों आँदी संगत का बाहां खिलार के स्वागत करता होया प्रतीत हुंदा है। गुरुद्वारा साहब दे विच मत्था टेकन तो बाद प्रशादा छकन दे नाल असी भाई जी की कथा का भी आनंद माणिया, अते उस तो बाद असी अपनी अगली मंजिल वाल तुर पए। होके सेवा करो, मन के अंदर कोई कामना ना रखो कि मैं परमेश्वर की सेवा ता करनी है, जे परमेश्वर मेरी इच्छा पूरी करो, ये तो कामना होगी ना संगत जी, वासना होगी ना। असल विच मनुख का सिख का वो है जिहड़ा वासना तो रहत होके गुरु की सेवा करे। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੌਲਤਾਂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਨਾਮ ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਿਲਨੇ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਗਣਤਾਂ ਦੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਣਾ
सो फाइनली असी अपनी मंजिल यानी कि मुगल फोर्ट दे विच पहुँच ही गए। मुगल फोर्ट दे विच पहुँचने तो बाद असी ये देखिया कि उत्थों दी इमारत अजे तक भी काफ़ी कुछ बची हुई है और जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूती नाल बनाया गया किला यानी दुराहा फोर्ट अजे भी अपनी होंद नूं बचा के रखी फिरता है। लगभग 5 सदियां तो यह किला इस जगह पर मौजूद है जो कि मुगलों द्वारा यानी औरंगजेब द्वारा बनाया गया सी। औरंगजेब अपनी लाम लश्कर के नाल इस नूं अपनी आरामगाह के तौर पर इस्तेमाल करता सी जदों वह लाहौर तो दिल्ली वल नूं कूच करया करता सी। किले के अंदर पहुँच के एक अजीब उदासी का आलम नज़र आता है कि यह इमारत अपने समय दे विच कितनी शानो शौकत रखती होगी पर आज इत्थे कोई दीवा बत्ती जलाउण वाला भी नहीं बचिया। पुरातन समय तो ही इंसान अपने जोर दे दम ते इस दुनिया नूं जितना चाहता रहा है पर वह अक्सर ही भूल जाता है कि इस संसार विच रहण वाली चीज कोई भी नहीं है। आखिर एक ना एक दिन ये महल मुनारे छड़ के इस संसार तो जाना ही पैंदा है। इस किले के मेन दरवाजों पर जो इमारतां बनिया हैं उन्हां विच अजे भी कलाकृतियां के नमूने बचे हुए हैं जो कि उस समय के कलाकारां वल्लों चित्रकला द्वारा बनाए गए हैं। इस किले की देखरेख और रिपेयर का काम भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा है। उम्मीद है कि आने वाले समय के एक बेहतरीन इतिहास का नमूना वेखन सानू मिलेगा कि जदों इसका कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाएगा। सो एक बार यदि लाग्यों लुक जिहड़ी हैगी मैं तुहानू दिखा दिंदा जी। बहुत सोहना बनिया होया है फोर्ट और इहदा स्ट्रक्चर जिहड़ा हैगा आ उहदे विच ध्यान नाल देखे तो पता लगता है कि उस टाइम कोई सीमेंट वगैरह तो होगा नहीं क्योंकि 300 400 या 500 साल पहले की यह गल है। तो ये आई थिंक एक तो नानक शाही ईटा ने जी और ये चूना और रेत का मिश्रण बना के यदा यूज़ किया गया वा जिहड़ा अज तक भी ये मजबूत मतलब स्ट्रक्चर हैगा आ चूना ते रेता तुहानू पता ही है चूने की भी उम्र बहुत हुंदी है जी। तो चूना और रेत मिला के उहदी मजबूती बहुत कर दित्ती गई। स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार हजे भी बनया है खड़ा है बहुत ही मजबूत ये बनया होया है। ये उपर अगर मैं तुम दिखा सकता थोड़ा जहाँ तो कुछ अरबी दे विच कुछ लिखा होया है। जे कोई साडा व्यूवर्स ये भाषा जानता तो वह प्लीज़ दसे कमेंट दे विच कि जो भी लिखा होया है कि यानी कोई सन लिखी हुई है या फिर इस जगह का नाम लिखा होया है। असीं इस टाइम पहुँच चुके हैं जी दुराहा ज़िला लुधियाणा के नेड़े फोर्ट दे विच। ते ए फोर्ट जिहड़ा असीं मतलब अंदर वीडियोग्राफी करनी इत्थे रिस्ट्रिक्शन कर दित्ती गई है क्योंकि इत्थे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ते जान एक गल देख के खुशी भी बहुत हुई है कि इत्थों की सांभ संभाल जिहड़ी है गौरमेंट नूं इधर ध्यान गया ते इहनूं एज़ ए टूरिस्ट हब बनाउण दी सोची क्योंकि पिछले थोड़े काफ़ी टाइम तो लुधियाणा ते आस पास के एरिया के लोगों की बहुत ज़्यादा इतने अट्रैक्शन आते आते हैं हफ्तावारी या जिदा रेगुलर बेस के उत्ते आते हैं। तो गौरमेंट ने इनू अपने संज्ञान के लिया तो इनू रिपेयरिंग यदि शुरू करवा दी गई है। सांभ संभाल बहुत चंगे टाइम पर शुरू करवा दी गई है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम के इनू इस प्लेस में एज ए टूरिस्ट हब सू देखने जरूर मिलेगा। तो तुसी भी अगर लुधियाना या उसके आस पास के एरिया दे विच रह रहे हो तो एक बार जरूर इत्थे टाइम कढ़ के आओ देखो। फिलहाल तो इत्थे कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो चलो जी बहुत वधिया लग्या अज्ज दा सफ़र। उम्मीद करते हैं अगले
किसी सफर के जरूर नाल लैके चलेंगे। साढ़े नाल जुड़े रहो, चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लो, तो बैल आइकन जरूर दबा दो ताकि आने वाली नोटिफिकेशन तुम्हें मिलदियाँ रहन। मिलते हैं जी छोटे जे वक्फे तो बाद।